खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे। जैसे कि देखा तो हुआ ई त्वचा कितना सुंदर और जुलीबा। तो नमस्ते, कार्यक्रम में तो है शानदार स्वागत करते हैं जा। उम्मीद है कि आप जहाँ भी हो बस स्वस्थ और खूबसूरत हो। आज हमनी है जा मौदाल बेया और हैजा परी दिखब जा कि दी सुरे खा कैसे फाशाल करेला और कैसे फेस वॉश के इस्तेमाल होवेला हैजा परी। तो चला हमनी के साथ मिली जा दी सुरेखा से। नमस्ते दी सुरेखा, ई प्रोग्राम में तो है शानदार स्वागत करते हैं जा। दी सुरेखा कितना बड़ी से ई काम करेला? नमस्ते, 15 साल से ई काम करेला। हम बहुत खुशी रही एस्थिटिशियन बने की, छोटी से सीखली और गैली काम करी एगो छोटा सा पालन पे, वही अपन हाथ खोल दी निमन से, फिर बाद में अपन ही सालों खोल दी। जब अपन सालों खोल दी तो हम बहुत जानकारी कर ली अपन प्रोडक्ट आयुर्वेदिक में, बहुत कुछ अपन से बनाई ली और जो सीख ले रही। कोनो सचिका बातें जो आयुर्वेदिक के चीज बनले हो? हाँ बातें गैरली लैंड वहाँ पर भी सीख ली, वहाँ के एगो सचिका बातें जो कौन चीज सीख ला जब भारत में गए ला था? भारत में गए ली जब हम यहाँ पर ही काम करते हल जो चीज यहाँ मिलते हल, जब वहाँ गए ली तो सच में जननी कोच बोलल जला आयुर्वेदिक नेचर्स, जैसे कि बोल जा नेचुरल प्लांट बियो सब कुछ, जैसे कि ओकर में फेस वॉश मिलेला, फाशाल किट मिलेला, जैसे बाल के भी चीज नेचुरल मिलेला, बहुत कुछ सीख ली वहाँ पे। जैसे घर ही में बहुत कुछ रहेला हमने के किचन में, जैसे यूज करीला सब टमेरिक हल्दी हनी बेसन, जैसे ओटमील है सबसे बहुत चीज, कॉफी पोटैटो, जैसे वेजिटेबल में भी सब कुछ रहेला कि सब घर ही पे स्क्रब करे फेस वॉश बनाए जो अपन स्किन को ब्राइटनिंग करी। दी एगो सवाल पूछब, जब ये सब वेजिटेबल जो है ये सब सब्जी जो है ये हमने के त्वचा में डलब तब काम करेला, अगर खेब तो ज़्यादा काम नहीं करी? हाँ खेब तो वो डायरेक्ट अंदर जाला। हाँ। अंदर के काम करी। हाँ। और वो वेजिटेबल डायरेक्ट यूज नहीं करना चाहिए, उसे पानी में एक दिन भिगोना चाहिए फिर साफ से धोकर फिर यूज अपनी स्किन पे करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही आप डालेंगे बिना साफ धोए उसमें भी केमिकल है एसिड है। जैसे हम बोलते हैं कि नेचुरल, सिर्फ ऐसी नेचुरल नहीं होती हैं, उसमें भी कुछ सीमिक होती हैं। धोना चाहिए साफ से पानी में, रात एक दिन भिगोना चाहिए फिर यूज़ करना चाहिए। ये काम करेगा, स्किन का काम करेगा। जैसे कि हमारी महिला, सभी महिला पसंद करती है कि उसकी स्किन ब्राइटनेस हो, सुंदर दिखे, उसकी स्किन फ्लॉलेस रहे, आकने नहीं रहे, पिगमो नहीं रहे, तो घर ही में यूज़ कर सकती हैं। और है मार्केट में भी बहुत सारे फेस वॉश है, लेकिन आपको जानना चाहिए कौन सा चीज़ आपकी स्किन के लिए ठीक होगा। और स्किन, हाँ स्किन के अनुसार, स्किन ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, आकने स्किन, सभी तरह की स्किन होती है। दी एगो प्रश्न पूछब जा, काहे चाहिरा फेस वॉश इस्तेमाल करेंगे? काहे कि हमने के पुरनिया लोग फेस वॉश नहीं इस्तेमाल कर ले हवन सा, तो काहे आज युग में चाहिला फेस वॉश प्रयोग करेंगे? आगे के फेस वॉश नहीं यूज करते काहे खातिर, क्योंकि आगे के वेजिटेबल ही दूसरा प्रकार के रहल। अभी की वेजिटेबल सब कुछ में बहुत सारा मेडिसिन है, नमक बहुत है, डोपास बहुत है, इसीलिए ये सब हम जब हम खाते हैं तो हमारी स्किन में प्रॉब्लम आती है। जैसे अभी हम बहुत यूज़ करते हैं तेल नमक, तो ये सब कैसे निकलेगा? हमारी स्किन ही की तरह निकलेगा ना। हाँ। हमारी खान पान ही ठीक नहीं है, इसीलिए हमें ये सब प्रॉब्लम होती है।
जैसे मसाला मिर्ची स्पाइसी फास्ट फूड ये सब हानि होती है स्किन के लिए। और अभी के यंग गर्ल बहुत पानी नहीं पीते हैं, जैसे आपको पता है अभी के यंग गर्ल तो सभी कुछ सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, पानी बहुत कम पीते हैं। फिर जब आएंगे कहेंगे कि पिक मोताशा हो रही है, तो यही सब प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ढेर मना फेस वॉश इस्तेमाल कर ली तो काहे तू सोचत हवा कि ये फेस वॉश जंतु बना ले हवा ये ज़्यादा अच्छा बा। कहे हम बोला ये ज़्यादा अच्छा बा, बस ये है हम अपन हाथ से खुद हम तैयार कर ले है। हम जानी ना कौन कौन प्रोडक्ट डाली है इस पर। ये फेस वॉश सिर्फ मैं ही नहीं गारंटी देती हूँ, क्योंकि ये फेस वॉश डॉक्टर की सलाह से बनी है। डॉक्टर की सलाह से बनी है कि डॉक्टर ने परमिशन दिया है कि ये सब चीज़ कि ठीक है हम के त्वचा के लिए। और जैसे हम मॉरिशस का क्रीमा है, मॉरिशस का स्किन और इंडियन का स्किन सेम टाइप है, इसीलिए वहाँ का प्रोडक्ट हम यहाँ फिर यहाँ ठीक से यूज़ कर सकते हैं, अच्छी रिजल्ट आएगा। कौन कौन प्रकार के स्किन बातें और कौन कौन प्रकार के फेस वॉश बातें? जैसे तो बहुत कहते स्किन का टाइप होती है, और जैसे कहते फेस वॉश भी होती है, जैसे ड्राई स्किन ऑयली स्किन पहले मैंने आपको बताया था, वो फुरे वो जैसे कि जब वो आएगा मेरे सामने तब हम चेक करेंगे कि उसका क्या टाइप स्किन का उसका स्किन है। दी हमारे त्वचा के अनुसार कौन प्रकार की फेस वॉश चाहेला इस्तेमाल करेगी और हमारे त्वचा कैसी बा? तो हर स्किन फ्लॉलेस बा, साफ बा। तोहरा जैसे कब सा देश में एक फेस वॉश सिपा ऑयली स्किन सिपा ड्राई स्किन, तोहरा देश से एक नॉर्मल स्किन और पूछा तोहर से सलाह कि तोहर स्किन ऑयली होला या सूखा सूखा सा रहता है, तब दूंगी एक नॉर्मल फेस वॉश का सलाह दूंगा। जब नॉर्मल स्किन के बारे में बात करते हैं जा, तो इन नॉर्मल स्किन में कुंच कुंची बातें कुन ए गजो बा कि खाली बियो ई में बा? जैसे बियो में फेस वॉश में होता है नेचुरल रोज़ वाटर, गुलाब का फूल, टर्मेरिक, हनी, थोड़ी सी दूध, ये सब होती है। और डिफरेंट डिफरेंट का भी होती है इंग्रेडिएंट होता है। हाँ, इंग्रेडिएंट होती है। और ऑयली स्किन में? ऑयली स्किन में जैसे होगा नींबू, लेकिन टर्मेरिक नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा। जैसे होगा पोटैटो, जैसे होगा एलोवेरा, ये सबसे बनाऊंगा। हम जब ऑयली स्किन बात नहीं सकबर जा टर्मेरिक इस्तेमाल करेंगे, हल्दी नहीं सकबर डाले, सकबर डाले, लेकिन डिपेंड होता है कैसा बा कर ऑयली स्किन। अगर मैं अपने बा साथ में या सिर्फ ऑयली ही बा, अगर सिर्फ ऑयली ही बा तो सकबर कंट्रोल करे नींबू के साथ। अगर अकने बा तो नहीं सकबर अकने बा तो नहीं सकबर नींबू डाले और उठा दे आपने रही तो सब मन जैसे कि दूध रही जी, दूध रोज़ वाटर हल्दी भी नहीं, हल्दी भी नहीं डालेंगे। और जैसे दूध हल्दी बेसन, दूध ऑयली नहीं है? दूध ऑयली है, उसे हम डायरेक्ट नहीं डालेंगे। दूध बहुत ऑयली है लेकिन डायरेक्ट नहीं डालेंगे, सिर्फ थोड़ी सी एक स्पून मिक्स करेंगे, मिक्स करेंगे जो वो फेस वॉश को अच्छी सी पार्ट बना सकेंगे। कुछ लोग बोलत हवन सर कि जब तुहर स्किन ऑयली बातें चाहिला योगर्ट डाले के फिर बेसन डाले के तो ये हानिकारक नहीं है, काहे कि योगर्ट जो है वो थोड़ा ऑयली ऑयली हाँ हाँ उधर ग्रा हाँ वो काहे बोले रंग सर कि योगर्ट डाले के आपको शायद पिक मोताशा होगी, इसीलिए तब जब योगर्ट डालेगा तो ये नहीं उसको नहीं खोलेगा, वो पिंपल को नहीं खोलेगा, वो बन ही रहेगा, जब उसका समय पे आएगा तो वो खुद ही खुलेगा। और ये सब जब फेस वॉश कर लेंगे तो टोनर डालना उस पर, जो पिक मोताशो का स्किन होगा उस पर टोनर डालना, फिर वो बन ही रहेगा, उसका समय पे वो खुद ही खुलेगा। एक दिन में सकबा फेस वॉश यूज़ करे चार बार।
हाँ चार बार, अगर घर पे हो तब, अगर काम पे हो तो सिर्फ दो ही बार, क्योंकि बार बार काम पे तो फेस वॉश नहीं कर सकते हो ना। हाँ घर पे होगी तो चार बार, अगर काम पे हो तो दो बार, शाम को जब आएंगे अपनी मेकअप रिमूव करके फिर फेस वॉश करना। अगर हमने के चेहरे में मेकअप बा और फेस वॉश इस्तेमाल करत हो वह मेकअप के साथ तो हानिकारक है? हाँ हानिकारक नहीं है, अभी तक मेकअप नहीं नहीं दिख रही फेस वॉश के साथ। वो विषय बा कि वो एगो एक मेकअप रिमूवर से अपन मेकअप निकाल के फिर वो फेस वॉश करी, फिर वो स्किन नॉर्मल हो, फिर सकी अपन सीरम डाले अपन टोनर डाले, नहीं तो मेकअप स्किन ही में रही। जब मेकअप रिमूवर के बात करत हुआ तब मेकअप रिमूवर जो है वो केमिकल नहीं है? नहीं बात है बहुत मौसम में, बात है बहुत मौसम में, एक केमिकल होगा एक जो अच्छी गुड क्वालिटी वाला होगा, जैसे कि टार्गो का मेकअप रिमूवर, ये सब अच्छी है, ये सब अच्छी है, ये सब में बहुत केमिकल नहीं होती है, होती है बहुत कम होती है, मे बी 2% ऐसा होती है, तो इससे आप साफ कर सकती हैं। जैसे कि मौसम में बहुत सारे मेकअप रिमूवर हैं, एक अच्छी वाली ले सकती हैं, एक अच्छी ब्रांड का वो खरीद सकते हैं, उससे मेकअप रिमूव हो सकता है, फिर वो अपना फेस वॉश करेगा, फिर वो टोनर करेगा, फिर वो स्किन नॉर्मल होगा, और रात को कोई अच्छी सी सीरम लगा सकती है, वो ब्राइटनिंग करेगा और स्किन को नॉर्मल रखेगा। जैसे खरीदने के लिए नहीं सका बोले कितना 2500-50 सिवा, हर क्लाइंट जब आवेला फेशियल करेला तो अपन फेस वॉश लेके जालंग सर, और कोई भी फेशियल नहीं भी करेला बाल बनाने के लिए आए हैं तो वो फेस वॉश लेके जाते हैं, पूछते हैं मेरे से सलाह लेते हैं। दी ये फेस वॉश जो है मर्द लोग यानी पुरुष लोग सकबजा इस्तेमाल करे? एकदम सही, सखी इस्तेमाल करे, पुरुष लोग बच्चा लोग भी सखी इस्तेमाल करे, क्योंकि ये आयुर्वेदिक है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बच्चा कितना कितना के उम्र में चाहेला फेस वॉश इस्तेमाल करेगी? जैसे कि 11 साल का लड़की तो अपने आप यूज कर सकते हैं, रोज अपनी ही उसे कहना नहीं चाहिए, वो लोग खुद ही यूज करेंगे। एगो प्रश्न बाते, जो पुरुष लोग है उकर जो त्वचा बा वो ज्यादा मजबूत रहेला, और हमनी जो नारी है हमनी जो औरत है वो हम जो स्किन बाते हमनी के वो ज्यादा फीन गाफिने रहेला, इमें कौन फेस वॉश डिफरेंट नहीं बा? नहीं इनमें कोई डिफरेंट नहीं बा, काहे पुरुष लोग के स्किन मजबूत रहेला, क्योंकि वो लोग दाढ़ी बनाते हैं, वो लोग शेव करते हैं, इसीलिए वो लोग जैसे स्त्री की तरह ध्यान नहीं देते हैं, वो लोग ऐसे ही धूप में चले जाते हैं, शाम को फेस वॉश यूज नहीं करते हैं, इसीलिए उसका स्किन और स्त्री की तरह डिफरेंट होती है, लेकिन वो सेम फेस वॉश यूज कर सकते हैं अगर वो यूज़ करना चाहिए। जैसे कि होती है सनस्क्रीन, वो लोग ज़्यादा जिसके नंबर होती है 30, 40, 50 तो वो लोग जैसे 50 यूज़ कर सकती है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन हाँ, ये इसका स्किन का ध्यान रखेगा, सॉफ्ट रखेगा। और ये महिला लोग के जैसे 30 होती है 40 होती है ये यूज़ कर सकते, कम हाँ कम। और पुरुष लोग के ढेर अकने नहीं होवेला, ज़्यादातर औरत के होवेला, नारी लोग के वो काहे? जैसे कि हम बोलते हैं नारी लोग के जैसे डिफरेंट होती है हार्मोन, हाँ एक बार नारी होती है जैसे उस जब उसका मेंस होती है तब वो उसको आकने होती है बहुत बड़े बड़े होती है, जैसे ये फिनिश होता है तो उसको स्किन भी नॉर्मल हो जाती है, और पुरुष लोग को आकने बहुत पुरुष को नहीं होती है, ये नॉर्मल ही है, नॉर्मल ही है। और है कोई पुरुष जैसे यंग लोगों को है, यंग जैसे 20-21 वो ज़्यादा स्पाइस खाने से स्पाइस फास्ट फूड स्किन का ध्यान नहीं रखता, इसीलिए होती है। जैसे कि आप देखेंगे कि मैन लोग जैसे 45 ईयर्स का मैन नहीं है आपने, जैसे अभी यंग का है 20, 21, 80 इन लोगों का आपने है। आजकल जो है महिला से ज़्यादा पुरुष अपन स्किन जो है ज़्यादा संभाल के
रखेलन सर आपने एकदम सही बोला। हाँ हमनी के साथ बाती हमनी के कैमरा में नाइम और स्किन एकदम चकाचक बाती। हाँ तो ये करना चाहिए, इसीलिए अगर उम्र बढ़ जाएगा तो फिर कहोगे कि मुझे ये हो गया वो हो गया तो फिर डिफिकल्ट होती है, क्योंकि हम लोग एस्थेटिशियन है लेकिन हमारा काम करती है लेकिन हम मैजिक नहीं करती है ना, इसीलिए स्किन का काम रुचिन होना चाहिए, यंग ही से शुरू करना चाहिए ओल्ड तक। जैसे कि हम बोलते हैं हमारे एगो लेकुल बीमा वहाँ हम छोकरी लोग के बताएला कैसे स्टेशन करे के नेल का काम बाल का काम सब का कोर्स में वहाँ देता हूँ। यानी स्टेशन के साथ साथ एगो टीचर हो। हाँ एगो अध्यापक हो। अध्यापक हो दी तुम्हारे से मेरे बहुत प्रेरणा मिलर, बहुत बहुत धन्यवाद इस सब जानकारी खातिर और ढेर नाम बुकवास बोला जा। नमस्ते दी। नमस्ते।